पति पत्नी में हो रहे विवादों को समाप्त करने के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट द्वारा अपनी ओर से टिप्स दिए जाते हैं। यदि आप भी इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके घर में होने वाले विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा। प्यार करने वालों के लिए यह बहुत जरूरी खबर है। आपके घर में स्थित इन चीजों से भी आपको यह उपाय करना चाहिए। यह सभी वस्तु आपके घर के आसपास भी मिल जाएगी। ओके, सो आज मैं लास्ट रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ। इस वैलेंटाइंस डे से आपको शुरू कर देना चाहिए ताकि आपको अनकंडीशनल लव हर तरफ से मिले। तो आपको क्या करना है, एक कांच का जार ले लेना है, छोटा सा कांच का जार। उसको थोड़ा सा आप शहद डाल लीजिए, उस कांच के जार में आपको थोड़ा सा हाफ उसको शहद से भर देना है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा केसर सेफ्रिन ऐड करना है, साथ ही रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स आप उसमें डाल दीजिए, और जो रोज़ पेटल्स होती है ये प्यार को अट्रैक्ट करने की बहुत पावरफुल चीज़ है, तो आप रोज़ पेटल्स को उसमें ऐड कर दीजिए। और हस्बैंड वाइफ का एक फोटोग्राफ, आपका जो भी हस्बैंड वाइफ का एक पिक्चर होगा उसको आप उसमें जार में डाल लीजिए, और उस जार को टाइटली पैक कर दीजिए, और उसके ऊपर एक सिल्वर कलर का रिबन बांध लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उस जार के ऊपर मार्कर पेन से अपना एक इंटेंशन बोलना है। इंटेंशन यही होगा आपका कि हमारे बीच की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। सिर्फ एक लाइन में आपको वो इंटेंशन बोलना है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में प्यार अट्रैक्ट हो रहा है, या मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में प्यार अट्रैक्ट होना शुरू हो चुका है। ऐसे उसको मार्कर से उस पर लिख दीजिए, और उसके थोड़ा नीचे जो मैंने आपको एंजल नंबर बताया 00531111, ऐसे गैप देकर आप उसमें उसके नीचे लिख दीजिए, और उस जार को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा उतना ही ज्यादा जल्दी आपका प्यार अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्रिस्टल थेरेपिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट सिद्धि बरोले के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह जानकारी है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।